हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशो फैशन। और मैं हूँ ऐश्वर्या। और आज के इस वीडियो में मैं शो करने जा रही हूँ, एक्चुअली ये वीडियो एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। ये रिक्वेस्ट किया था मुझे नम्रता जी ने। उन्होंने बोला था कि हीना का एप्लीकेशन आप मुझे बताइए स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा वीडियो जो था मैदी का घोल बनाए सही तरीके से, उस पर इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी मुझे। सो आज का वीडियो इसी के लिए है। और बिना किसी बकबक के शुरू करते हैं ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्लव्स और दो रबड़ और इसको अपने हाथों में बांध लेंगे। और उसके बाद अपने बालों को इस तरह से आप लेंगे और सबसे पहले एक छोटा सा हम एक नॉक देंगे उसमें, छोटे से बालों में। फिर मेहंदी लगाएंगे और उसको हम थोड़ा सा बांधने की कोशिश करेंगे और उसको लपेट लेंगे थोड़ा सा अंदर से। गांठ बना के उसको लपेटना है बहुत अच्छे तरीके से और उसी के ऊपर ऊपर लगा लगा के इसको हम बांधते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा के इसको चिपकाते जाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा तैयार हो जाएगा ये। और बाकी के भी ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके आप कंघे की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ हाथों से, एक्चुअली मेरी मॉम ने किया है ये। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा लगा के आप इसको बांध लेंगे। उसके चारों तरफ से आपको इसको राउंड राउंड लगाना है कुछ इस तरह से, मेहंदी लगाते लगाते चारों तरफ से राउंड राउंड लगाना है ताकि अच्छे तरीके से ये बन का रूप ले ले। और हमें इसका एक बन बनाना है। थोड़ा सा बाल को लीजिए, उसमें मेहंदी लगाइए और उसके राउंड राउंड करके सर्कुलर तरीके से इसको चिपका लीजिए और ये एक बन तैयार हो जाएगा। चारों साइड से आपको लेना है, पहले आप राइट साइड से लीजिए या लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से आपको थोड़ा थोड़ा लेना है और इसको तैयार कर लेना है एक बन। और यहाँ मैं काफ़ी स्ट्रेट बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरी मॉम मुझे लगा रही हैं, तो मैं क्या हिल नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी नहीं, वरना फिर वो लगाएंगी नहीं और फिर मेरा रेडी भी नहीं होगा। एक्चुअली थैंक यू मॉम, आपने मेरा ये वीडियो बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प की है, सो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था मेरा अकेले ये वीडियो बनाना। तो इस तरह से आपको लगाना है। आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आप अपने फेस पे ना लगाइए मेहंदी, क्योंकि फिर वो आप वहाँ पे कलर आ जाएंगे रेड रेड, तो अच्छा नहीं रहेगा, आपकी खूबसूरती में थोड़ी सी खराबी हो जाएगी। तो इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा आप। तो इसका ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। एंड देन ये देखिए मेरा राइट लेफ्ट का तो रेडी हो गया, अब पीछे के पोर्शंस में काम चल रहे हैं। तो पीछे के पोर्शंस को भी आप इस तरह से मेहंदी लगाते लगाते राउंड लगाना है और एक बन बना लेना है, बन रेडी करना है। ये प्रोसेस काफ़ी इजी है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है ये काम। और प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि ग्लव्स ज़रूर लगाइए अपने हाथों में, क्योंकि वो काफ़ी हमारे हाथ अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि यूज़ तो वो काफ़ी रेड हो जाएंगे और अच्छा नहीं लगेगा। सो आप ग्लव्स ज़रूर लगाइए। आप खुद भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा बन बन के रेडी है, आप देख सकते हैं ये चारों तरीके से अच्छे तरीके से बन गया, कहीं से भी कुछ निकलेगा नहीं और कुछ भी चूने वीने का डर नहीं रहेगा मेहंदी का। सो अब इसको वॉश कर रहे हैं हम 2 घंटे बाद, आपको पानी की सहायता से इसको वॉश करना है। आपको फिर शैम्पू की ज़रूरत होगी क्योंकि इसकी महक हमें हटानी है, तो शैम्पू लगाना पड़ेगा, लेंथ एरिया में लगाना है। फिर कंडीशनर करेंगे हम अपने बालों को, लेंथ एरिया में लगाएंगे, रूट्स में नहीं लगाते हैं कंडीशनर। एंड देन इसको फिर वॉश कर लेना है दोनों लगाने के बाद। और प्लीज़ का आप ज़रूर से याद रखिए कि आपको कभी भी गीले बाल होते हैं उनको छिटकार के नहीं सुखाना है, लेंथ एरिया के बालों को लेना, रब रब नहीं करना है कभी भी। आपको इस तरह से लगाना है अपने बालों में और उसके बाद आपको 2 घंटे बाद इसको वॉश कर लेना है। एंड उसके बाद एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जब किसी के बगल में बैठते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो मेहंदी की जो स्मेल होती है, महक होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल, बट तो बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। तो उसका सॉल्यूशन है कि आप वॉश करने के बाद मेहंदी को आप शैम्पू लगाएं। शैम्पू से क्या होगा उसका कुछ
परसेंट महक तो हट ही जाएगा और साथ में बैठने वालों को भी परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाएं। कंडीशनर लगाने से बाल काफ़ी स्मूथ होंगे। स्मूथ के लिए तो वैसे हमने एलोवेरा जेल डाला है मेहंदी के घोल में, बट आप कंडीशनर ज़रूर कीजिए। बाल फीजी नहीं होंगे, सेट रहेंगे और एक वीक तक बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन रहेंगे, चलेंगे बहुत अच्छे। एंड सेकेंड बातों का ये जरूर ध्यान रखें कि आप मेहंदी को जब सुखा लेते हो, आप धुल के सुखा लेते हो बाल, शैम्पू कंडीशनर आप कर लेते हो, उसके बाद जब आप बालों को सुखा लेते हो तो कुछ इस तरह सा ब्यूटीफुल सा आपको लुक मिलेगा। आपके बाल काफ़ी अच्छे लगेंगे, आपको बहुत ही प्यारा सा फील होगा। बट उसके बाद आपको अपने हेयर में आपको ऑयल ज़रूर लगाना है। आप ऑयल कोई भी लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, आलमंड ऑयल लगा सकते हैं, आप जो भी चाहें, आप जो भी यूज़ करते हैं रेगुलर ऑयल वो लगा सकते हैं। मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और मैं वही लगाती हूँ। मेहंदी के बाद आप को अपने हेयर को ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब ये नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा हैवी हेयरिंग ऑयल कर दो, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा लगाना है, वो भी रूट्स में लगाना, हल्का हल्का लगा के छोड़ दो, अंदर की तरफ भी थोड़ा सा लगा लो और नीचे अपनी लेंथ एरिया में आप लगा लो ऑयल। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी ऑयलिंग कर लेते हो, नहीं, इतना नहीं करना है। आपको थोड़ा सा लगाना है ताकि वो जो उसकी शाइनिंग होती है ना वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे शाइनिंग। जो हमारी मेहंदी से जो शाइनिंग मिलती है, हमें कॉफ़ी हमने डाली है इसमें तो ऑब्वियसली सी बात है वो शाइनिंग के लिए ही होगा, तो शाइनिंग मिलती है तो वो बरकरार रखेगा आपका ये ऑयल लगाना। सो मेहंदी के बाद आप ऑयल ज़रूर लगाइए। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आपको मेहंदी किस तरह से लगाना है अपने हेयर में, फिर वॉश किस तरह से करना है, शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है, एंड देन उसको सुखाना है, एंड देन उसके बाद आपको ऑयल लगाना है, अपनी पसंद के ऑयल लगाने हैं। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या करना है, लाइक करना है और ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे और मेरे और आपके बीच कनेक्शन की कोई दूरी ना रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।